इधर आप तो सोना छाव तो है। अम्मी ने व्यस्त पानी थोड़ा प्रेशर ज्यादा हो गया, सुहाना थोड़ी सी बज्जी है वरना ये फ्रेश हो जाती। मैं यहाँ क्या अबे कढ़ाई नहीं आता, बड़ा आदमी है कि दो बजे की थी पट्टी की है। चलो कल देरी है ना, थोड़ा भी ठंडी ठंडी हवा आएगी ना। कल मैं यहाँ कपड़े का क्या करेंगे, पीला आ जाओ, तैयारी खत्म ही नहीं हो रही, बंद करो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि मेरी सब बहनें और भाई खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। तो सुबह से अम्मी ने ना हमें ऐसा समय ले मुझे बैठने तक नहीं दिया जी, कहती है कि जाओ आप इसकी दवाई पहले ले के आओ। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, वो भी कह रही है मैंने नहीं जाना, लेकिन फिर अब बड़ों की बात जो है माननी पड़ती है। वैसे भी अब दुल्हादी के टीके भी कलो की तबियत राडी खराब है और मैं के वांदे दवाई के ना होदी कलवा वो दे कन्यो डॉक्टर के चेक करवा वो। हां ज्यादा मसला दा नहीं, अल्लाह के भाई करेगी। सामान उठा लिया रेडी हो गया, अच्छा ठीक है चेक करवाइए वाहे। हां आदि मेरे कार्ड चाहिए, इंजेक्शन भी चेक करवा लूंगी क्योंकि अभी कितनी रहने है। अभी रेडी हो गए बस चलने के लिए, ठीक है जाते हैं हॉस्पिटल। तो पहले इसको चेक करवाना है डॉक्टर क्या कहते हैं, उसके बाद फिर जो है ना अब्दुल हादी के इंजेक्शन चेक करवाने हैं, ठीक है। मैंने ये देखें आप एक दफा, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये शुरू से लेकर ये सारे इंजेक्शन अब्दुल हादी के कंप्लीट हैं, ठीक है। कोई एक इंजेक्शन मैंने ये एक हाँ एक लास्ट वाला जो इंजेक्शन था मेरे ख्याल में एक साल के बाद लगना था या फिर 15 महीने में लगना था, अभी इसका हमें कंफर्म नहीं है इसलिए इसको लेके जा रहे हैं। अब जा तो वैसे रहे हैं, चलो ये भी चेक करवा लेंगे अगर अब्दुल हादी का इंजेक्शन लगने वाला है, हो सकता है इसका भी इंजेक्शन हो लगने वाला है। लास्ट में लगता है पता नहीं कहा था उन्होंने, कह दो रही थी भाई लगेगा पिछली दफा, वो कह रहे थे कि ना अभी जब दूसरा बच्चा पैदा होगा ना तब नहीं आपके इंजेक्शन। अच्छा अच्छा तो चलो अभी देख लेंगे फिर इसकी दवाई लेते हैं। चक्कर क्यों आया, आया तो आया क्यों चक्कर, ठीक है ना, इसके चक्कर ने हमें खुद चक्कर में डाल दिया है, ठीक है। अभी मम्मी ने अभी मुझे पकड़ लो। अच्छा ये कन्फर्म करना है जी के चक्कर क्यों आया है, ठीक है, डॉक्टर से पूछना है जाके, ब्लड वगैरह टेस्ट होगा जो भी होगा ना। ब्लड की भी चीज है दे बंदे का, ब्लड तेज की भी ना चक्कर ना आ जाओ। चलो चंगी तरह बस चक्कर की दवाई लो आए, चलो हालात नहीं आई करे। जुलो किधर जुलो, चलो चलते हैं चलो। मैं हूं भाई कैसे गिरनी होगी दास छोड़ो जो दबी जी हम गिरने दे हाली इधर ही को आके हाली मार दे मैंने जन तोरी की दिया थी जन तोर दे जी आप लेके चलो मैं आ रहा हूं मम्मी से। हां कई मैं आज करिया चलो कई छोड़ निकल दा वहां से तू खा। हां चलो बाहर आओ रुको मैं आ रहा हूं। ऊ ऐंदा ठेका भरने जमीन दा चलो कई छोड़ खा दी थी पोसी। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह गंदम हमने उठा ली थी, वैसे अभी जो है ना सिर्फ घास उगाना है, इरादा है घास उगाने का, क्योंकि हमारी एक गाय और एक छोटा सा बछड़ा तो है ना, अभी वो दूध तो नहीं देते लेकिन उनके लिए घास तो हमने उगाना है। इस दफा पहली दफा ही हमने इस साल गंदम उगाई है और पहली दफा इस दफा हमने घास उगाना है अपना, ठीक है। चलो तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। घास हमें कहती है कि बीज लेके आना है, फिर वो ट्रैक्टर वाले भाई को बुलवाना है और बीज भी डालते हैं उसमें, ले आके आता हूँ ज्वार का और जंतर का बीज है, ठीक है। ये दो चीजें जो हमारे जानवर खाते हैं ना, ये वाली चीजें लेके आते हैं। एक और भी वो बीज है वो पता नहीं, सब्जी गवार थोड़ा सा लेके आऊंगा, वो गवार का बीज भी है, वो जो हमारी तूड़ियां ना उसके बाल, कल रात हमने जो बनाया था वो गवार था। हाँ वो अगर इधर हो गया तो वो सब्जी हमारी बन जाया करेगी, तूड़ी के बाल लगा देंगे ना, तूड़ी के बाल ही रहे। हाँ चलो देख लेते हैं कि अभी मुझे याद आ जाएगा इंशाल्लाह। मैं फौजिया को भी कह देता हूँ कि अम्मी ने ये चीजें कही है लाजमी लेके याद कर देंगे। चलो ठीक है माँ सब आने में, ठीक है डॉक्टर पूछते हैं। पूछ लिया
अच्छा बिकॉज इसको तो जैसे मेरा शागदाना वही हुआ कि कोई कुछ भी नहीं है, वो कहते सिर्फ ब्लड प्रेशर लो हुआ था गर्मी की वजह से, और बस इन्होंने पानी वाली कोई साशे लिख के दी हैं, वो बस लेनी है, स्लिप मेरे पास है, मैंने ले ली है। और अब्दुल हादी का इंजेक्शन जो है ना अगले मंगल लगना है, अभी 10 दिन रहते हैं, 10 दिन के बाद दोबारा से हम आएंगे इधर, फिर अब्दुल हादी का जो है ना इंजेक्शन भी लगवाएंगे। और इसको तो बस कुछ था ही नहीं, लेकिन जहन में थोड़ा परेशानी रहती है कि कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है कुछ ना। अम्मी अम्मी मेरी है ना, अम्मी है सादी सी, लेकिन वो छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा सीरियस लेती है, इसलिए मैंने कहा चलो चेक करवा लेता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं था। चलो ये भी वेरीफाई हो गया कि अब्दुल हादी का इंजेक्शन भी जो है ना अगले मंगल जो है ना हमने आना है, 10-11 दिन के बाद आएंगे इंशाल्लाह। और मैं तो जब आया ना, मैंने देखा, मैंने कहा पता नहीं शायद ये इधर बोतल वगैरह लटका के ना फिर बोतल लगानी पड़ती है ना, मैंने उनको कहा कि अगर इसको कोई कमजोरी है ना एक आधी बोतल ही लगा दो, लेकिन गर्मी की वजह से उन्होंने कहा कि आपने पानी ज्यादा इस्तेमाल करना है, इसको पहले भी डॉक्टर ने कहा था। क्या हो गया ये लोग, चलो अच्छा तरबूज लेना है जो कि इनके लिए बहुत फायदेमंद है, और आप भी गर्मियों में जरूर खाया करें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिया करें, मैं तो पानी ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। अभी तरबूज लेते हैं और अम्मी ने जो सामान बताया वो चलो बाहर वो लेते हैं, और उसके बाद जो है ना चलते हैं अभी घर, जो इसकी स्लिप बनी हुई है ना, जो कुछ साशे वगैरह ले दी है ना जो डॉक्टर ने लिख के दिया, वो भी उधर से मेडिकल स्टोर से लेते हैं। आते सार ये पानी इसको पिलाया तो खड़ा हो गया, वैसे इतनी गर्मी थी, पंखा चलाया यकीन माने बहुत ज्यादा गर्मी थी ना, थोड़ा मुंह पे पानी लगाया है, थोड़ा ठंडी हवा लगी थी जी, वो तो कर गए अभी कुछ कहने अच्छा ये घास के लिए भी बस बीज लेके आया हूँ, ठीक है अम्मी को दिखाता हूँ अभी, देखो ये हाँ ठीक है, ये ज्वार का बीज है ना, ज्वार ये हमने जमीन में डालना है, बस घास होगा, और ये साथ में जंतर का बीज भी है, ठीक है बेटा मट्टी ना खाओ, ये हम जमीन में डालेंगे, ये दो दो जो है ना घास है, ठीक है ये दो घास हैं, और ये जो लिया है ना थोड़ा बीज, ये है गवार का, ठीक है ये सब्जी जो हम खाते हैं ना गवार की सब्जी, ये उसका बीज है, जब हम घास उगा लेंगे ना साइडों में, क्या हाल करना अब्दुल हादी का, उधर बिजली है, इधर ले आओ देखो भैया उसके काम, तो इधर 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 छोड़ दो, इधर उठाना नहीं है, ये रोएगा सुहाना, उठाना नहीं है, इसको छोड़ दो नीचे खेल लेना। अच्छा ये जो है ना हमने सब्जी जो है ना व्यवस्थित इससे उगानी है, जब हम घास डाल देंगे तो साइडों पे जो है ना फिर गवार जाम खर्ची वाले फलियां वाले बड़े हैं। हाँ चलो हाँ बाज चलो ठीक है खा लो ना उधर जितनी आवे। अच्छा सब्जी लेके आया हूँ, ठीक है भिंडियाँ हाँ, और ये तरबूज अभी लेके आया हूँ व्यस, ठीक है ना, तो फौजिया को डॉक्टर ने तरबूज का कहा है कि आपने जो है ना ये भी खाना है, और भूल गई क्या कहा है डॉक्टर ने, चलो इधर छोड़ दो इसको, डॉक्टर ने आगे सिर्फ नॉर्मल जी है, सिर्फ ब्लड प्रेशर गर्मी की वजह से चक्कर आ गया, उसी बाकी वादे ही गुहे था कुछ कहना, उन्हें चेक की थे वादे कोई कोई उसमें मसला ही क्या नहीं, तो सही में आगे व्या दे इतना पन कर, मैं के डॉक्टर साहब मैं तो क्या दसा मेरे घर दे सारे इन वहमी
ठीक है ना, वहम का कोई इलाज कह नहीं होता। जो बंदा वहम करता है ना, तबीयत कोई सही है वाले नाम उसका कोई इलाज नहीं होता। वैसे चेक करवाना चाहिए तो ये है कि फिर कभी ज्यादा हो जाए ना मसला, तो बंदा फिर चेक नहीं करवाता, इसी जहन में रह जाता है कि कुछ नहीं है और मसला जो है ना बीच में बढ़ता रहता है। चलो ये अभी आपने खाना है सारा, ठीक है ना? मैंने नहीं खाना, साथ में सब खा लो। ओए आप आओ जी, डॉक्टर ने कहा है आपको तो आपने खत्म करना है भाई। चलो ठीक है मैं खा लूं। हाँ तो ये पानी गर्मी के लिए है ना, चले आप भी साथ में खा लेना, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। मैं भी खा लेता, अम्मी को दे, अम्मी आओ तो बाबू बाबू मजे का है। तो आना ले लो। नहीं आप खाएं, मैं इधर से आ जाओ ले लो। नहीं खाना आप, उसने पंखा वो रिमोट के साथ फुल कर लेना है अभी। थोड़ा स्लो चल रहा है आदि, तुम ना आमा तेरे बिना अभी ये खा के ना सब्जी वगैरह कुछ बना लो। हां सही है, सब्जी में भिंडिया लेके आए। अच्छा बड़ा मजे का है, कसम से इतना मीठा है ना, मजेदार है। अच्छा ये एक वाह चीज है अल्लाह पाक की, वैसे तो हर चीज ही नेमत है कि हम इतनी चीजें खाते हैं, हर फ्रूट हम खाते हैं, फिर भी हम शुक्र नहीं अदा करते। शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है। ये भी एक अल्लाह पाक की नेमत में से एक नेमत है, जो कि इतना प्यारा जो है ना ये फल है। ठीक है, गर्मी में ज्यादा यूज होता है तरबूज होता है ज्यादा यूज, और खरबूजा जो है ना हमारे गांव में तो जमीनों में ये हो जाता है, बहुत कम प्राइस में ये मिलता है। शुरू में महंगा होता है, यानी कि बाद में तो ऐसे ट्रकों के ट्रक जो है ना मंडियों पे जाते हैं तो इतना जमीनों से निकल रहा होता है। शुरू से 100 रुपए किलो था, तो अभी जो है ना ये 20 रुपए किलो आ गया, क्योंकि आपको पता है कि कहते हैं कि नई कि नवी दे नौ जा रहे होने। ठीक है, ये जेड़े नवा नवा आए हिंदे नौ जा रहे हैं, रेट वो आ गए। ये भी तो कोई गंदम का भी कोई रेट नहीं है। तो माशाल्लाह से आए सब्जी में लेके आए थे भिंडियाँ और प्याज, अभी मैंने कटाई भी देखना कुछ कर ली है, बस अभी थोड़ी सी बच रही है और फिर मैं जो है अभी साथ में प्याज की कटाई भी कर लूँगी। रात को जो है सुहाना ने जो है सालन बनाया था, वो गवार बनाया था, क्योंकि अभी गर्मियों की वो भी नई सब्जी है, बहुत ही मज़े का बना हुआ था। ठीक है, मैंने कहा आज माशाल्लाह से मेरी तबीयत बेहतर है, मैं खुद जो है सालन बनाऊँगी। अभी मैंने सब्जी की कटाई कर ली है, फिर जाके ना मसाला रेडी करूँगी, फिर सालन भी रेडी हो जाएगा। अभी अब्दुल हादी का दूध भी बनाना है बस। चलो ये अभी कटाई हो गई है इनकी, अभी कुछ बच गई है ना भिंडियाँ छोटी छोटी, जो है मैंने दरमियान में से निकाल के ना वो काट लिया, अभी कुछ बड़ी बच गई हैं, क्योंकि ये अभी थोड़ी ना पकी होती है ना, इसको नहीं काटती मैं। अभी प्याज जो है छील के रख देती हूँ, फिर मैं इसको जो है इसकी कटाई कर लूँगी। अभी हमसायों ने भी उधर मोटर चला दी है पानी वाली, क्योंकि अभी शाम का टाइम है ना, खाना है, खाने के लिए जो है पानी इस्तेमाल करते हैं ना, इसलिए। तो हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, अभी नई नई गर्मी आ रही है ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो अभी तो शाम हो गया ना, कुछ मौसम अच्छा हो गया है, वरना दिन तो ऐसा गुजरता है ना पूछे ना देखे ना, इतनी गर्मी होती है बहुत ज़्यादा।